हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 4 घन और घनमूल प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 10 11 12 नंबर क्वेश्चन को इन दिस वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिये, वह कहता है निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। इनका जो है वह घनमूल जो है वह कहता है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर में क्वेश्चन में जो है वह हमें दिया हुआ है 91,125 दिया हुआ है। ठीक है बुआ, इस तरीका से लिख दीजिएगा। इस तरीका जो है वह लिख दीजिएगा। देखिए इकाई स्थान पे 5 है, पहले हम जोड़ लेंगे। 5 2 7, 7 1 8, 1 9, 9 9 18, यानी 3 के 3 से ये जो है वो पूरे पूरी कट जाएगा। ये 3 के टेबल में 18 आता है, ये 3 से कट जाएगा। 3 3 9 और ये 0 और ये जो है वो 3 3 9 और ये जो है वो 22, यानी 9 में यानी कि 2 हुआ, 2 22, 3 7 21 और ये 3 5 15। फिर ये जो है वह 3 से लग जाएगा, ये 10 और ये जो है वह 1, 3 2 9 6 और ये 3 5 15। ठीक है, ये देखिए ये जो है वह ठीक है। फिर ये जो है वह 3 से लगा, ये लगे करेगा 3 3 9 और ये 11, 3 3 9 3 7 21 3 5 15। 33 75 आया हुआ है ना, ये जो है वह 33 और 75 आया हुआ है। अब देखिए बुआ, ये जो है वह किन से लगेगा? तो ये जो है वह हमारा, ये जो है वह किन से लगेगा? अब जो है वह ये हमारा जो है वह 33 75 आया हुआ है। तो ये जो है वह लगाइए, तो ये जो है वह 7 5 12, 12 3 15 3 18। फिर ये 3 से लगाइए, तो 3 से लगाए तो ये 11, 3 2 9 6 25 75। 1125 आया हुआ है। फिर ये जो है वह 3 से लगाएंगे, तो 3 से हम जब लगाए देंगे यहाँ पे, तो ये जो है वह 3 3 9 और ये जो है वह 22, 3 7 21 और ये 3 5 15। 375 आया हुआ है। अब देखिए फिर ये जो है वह 3 से लग जाएगा, 3 1 3 और ये जो है वह 3 2 9 6 3 5 15। ठीक है, अब देखिए ये जो है वह 5 से लगाएंगे तो ये 25, फिर ये 5 से लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 को 3 आया हुआ है और ये 3 को 5 आया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्यूब रूट ऑफ ये जो है हुआ 9 1 125 इज इक्वल टू, ये जो है हुआ क्यूब रूट ऑफ, देखिए ये जो है 1 2 3 4 5 6 को 3 आया हुआ है और 1 2 3 को 5 आया हुआ है। देखिए वह ये जो है वह 3 3 को ग्रुपिंग बन के बाहर निकलेगा, 1 को 3 यानी 2 को 3 और ये 1 को 5 बाहर निकल कर आ जाएगा। यह जो है वह 3 गुने 3 और गुने ये 5 हो जाएगा। देखिए 5 3 15 3 45, 15 3 क्या हो जाएगा? तो 45 हो जाएगा, 45 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, ये 10 नंबर था। अब देखिए इनका 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन जो है वह कहता है 46656 है, ये जो है वह 46656 है। ये जो है वह इकाई स्थान पे 6 है, ये तो 2 से लगवे करेगा, 2 से लगेगा। तो इनको पहले जो है वह हम 2 से लगा लेते हैं, ये जो है वह 2 से लगाएंगे तो ये जो है वह 2 2 9 4 और ये जो है वह 23 2 9 46 और ये 3 2 2 9 4 और 2 8 16, ये इतना हो जाएगा 28 2 9 56 और ये 3 और ये 23 2 9 46। फिर ये 2 से लगेगा तो ये जो है वह 12 2 9 24, 11 2 9 22 और ये 13, तो ये जो है वह 6, फिर ये 6 और ये 4। फिर ये 2 से लगेगा तो ये 5, ये 8 3 2, फिर ये 2 से लगेगा तो ये जो है वह 2 9 16, फिर ये जो है 2916 आया हुआ है ना। फिर ये 2 से लगाएंगे तो ये जो है वह 14 2 9 28 और ये 2 5 10, 2 8 16। ठीक है, फिर ये 2 से लगेगा तो ये 7 14 और ये 2 2 9 4, 2 9 18, ये जो है वह 3 3 6। अब देखिए 9 5 16 2 18, 3 से लगाइए, 3 2 9 6 और 3 6 12 और ये जो है वह 3 3 9। फिर ये 3 से लगाइए, 8 1 81 आया हुआ है। तो 81 का अब हम यहाँ पे निकालते हैं, 81 का निकालेंगे, ये जो है वह 3 से लगाएंगे तो 27, फिर ये 3 से लगाएंगे 9, फिर ये 3 से लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो देखिए वह यहाँ पे जो है वह हम यानी कि ये जो है वह चूंकि ये जो है वह क्यूब रूट ऑफ ये जो है वह 46656 का हम निकाले हैं, तो ये क्या आया हुआ है क्यूब रूट ऑफ, देखिए 1 2 3 4 5 6 को 2 आया हुआ है, तो 1 2
तीन चार पाँच छ गो यानी कि दो है, और तीन भी जो है वह दो, और ये चार दो छ गो है, ये जो है वह एक दो तीन चार पाँच छ गो तीन है। तो देखिए बुआ, ये जो है वह तीन तीन गो जोड़ा बनाइए, ये जो है वह तीन तीन गो। तो देखिए बुआ, ये जो है वह दो गुने दो गुने ये तीन गुने तीन। तो देखिए बुआ, तीन दुनी के छ, तीन दुनी छ, तो छः छः कितना हो जाएगा, छत्तीस हो जाएगा। तो छत्तीस इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, ये ग्यारह नंबर था। अब देखिए इनका बारह नंबर क्वेश्चन, बारह नंबर क्वेश्चन जो है वह 13,824 है। तो इनका जो है वह अभाज्य गुणनखंड करिए, ये दो से लगाइए, तो दो से लगाएंगे तो ये जो है वह यानी कितना हो जाएगा, दो छः के बारह, दो से लगाएंगे तो ये दो छः के बारह, और ये जो है वह बारह हो गया ना, ये जो है वह अठारह हो जाएगा, ये बारह हो गया और ये अठारह, तो दो नमा अठारह हो जाएगा, और ये बारह दुनी के चौबीस, यानी कि दो दुनी चार, ये दो एक दो नौ दुनी अठारह को आठ, असल बारह एक तेरह, फिर ये दो से लगाएंगे तो ये जो है वह तीन, ये जो है वह दो चौके आठ, ये जो है वह यानी कि दो चौके आठ हो जाएगा, ये जो है वह नौ है ना, ये जो है वह दो चौके आठ हो जाएगा, ये जो है वह दो चौके आठ, और ये जो है वह ग्यारह, तो दो पंच दस और दो छके बारह, फिर ये दो से लाएंगे तो सत्रह दुनी चौंतीस और दो दुनी के चार, और ये जो है वह दो अठ सोलह, फिर ये दो से लगाएंगे तो ये जो है वह आठ छ चार, फिर ये दो से लगाएंगे तो चार तीन और दो, फिर ये दो से लगाएंगे तो ये दो सो सोलह, फिर ये दो से लगाएंगे तो ये जो है वह दस दुनी के बीस, और ये आठ एक सौ आठ हो जाएगा जी, ये जो है वह तीन तीन छ सात, और ये जो है वह फिर ये जो है वह दो से लगेगा तो ये पाँच चार, दो से लगेगा तो ये जो है वह सत्ताईस दुनी के चौवन, तीन से लगेगा नौ, फिर ये तीन से लगेगा तीन। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ गो दो आया हुआ है और तीन गो तीन आया हुआ है। तो यहाँ पर चूंकि क्यूब रूट ऑफ तेरह आठ सौ चौबीस इज इक्वल टू, ये जो है वह क्यूब रूट ऑफ, देखिए नौ गो जो है वह दो आया हुआ है, तो हम यहाँ पे सजा के लिखेंगे एक दो तीन चार पाँच छ गो दो छ सात आठ नौ गुने ये तीन गुने तीन गुने तीन। तो देखिए ये तीन तीन गो ग्रुपिंग बन जाएगा, तो देखिए एक दो तीन गो दो है, तो ये जो है वह एक दो तीन गो दो है, एक गो तीन है, तो देखिए तीन दूनी छः दूनी बारह दूनी चौबीस, चौबीस इनका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह दस ग्यारह और बारह नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वह चार नंबर क्वेश्चन के साथ। ये तीन नंबर सभी क्वेश्चन को हम जो है वह सॉल्व कर चुके हैं यानी कर दिए हैं। अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चार नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कॉमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।